हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का दो पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। ये दोनों हम लोगों का टीजर हो गया हुआ है। पार्ट वन में क्या पढ़ाए थे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में जो है पार्ट वन में पढ़ा दिए थे, पार्ट वन। और चतुर्भुज के बारे में पार्ट टू में पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बता जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि परीक्षा से पहले अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, और सच में पछताइएगा, क्योंकि यह क्षेत्रमिति का पार्ट थ्री है। और पार्ट थ्री में जो है हम लोग पार्ट थ्री में अभी जो है पढ़ाने वाले हैं व्यर्थ। और ये जो व्यर्थ होगा, जो व्यर्थ पढ़ाएंगे, ये आपका दोनों चीज क्लियर होगा। क्या क्या क्लियर हो जाएगा, एक तो क्षेत्रमिति क्लियर हो जाएगा, क्षेत्रमिति, और दूसरा ज्यामिति, दोनों क्लियर होगा, ज्यामिति, ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो सच में बहुत पछताइएगा फिर बाद में, और कि मतलब इस वीडियो को हम क्यों नहीं देखे। इसलिए जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन का ये पार्ट थ्री है, दो क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। और क्या है कि समांतर श्रेणी का भी बेसिक जो है बता दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिए, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां से भी लाभ ले सकते हैं। चलिए तो अभी हम लोग आते हैं विड्थ। विड्थ मतलब विड्थ, देखिए विड्थ और गोला दोनों में अंतर है, ठीक है। विड्थ मतलब हो गया एक सर्कल, और गोला मतलब हो गया गेंद, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं विड्थ। विड्थ मतलब हो गया सर्कल, ठीक है। और वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, खास करके मैट्रिक वाले लोग। और इसमें क्या है कि ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में जो है मेंसुरेशन से आता है। तो चलिए विड्थ क्या हो गया, एक सर्कल, ठीक है, गोल नहीं बना होगा लेकिन फिर भी एक सर्कल जो है वो क्या होता है, विड्थ। विड्थ में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले विड्थ की पहचान क्या होती है, ये गोल हो गया लगभग, तो ये मेरा हो गया क्या, विड्थ मतलब सर्कल, एक घेरा, ठीक है। इसमें जो है ये जो चारों तरफ से जो अभी हम लाइन पा रहे हैं, घेरा जो सर्कल है, इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या है, विड्थ की परिधि जो होता है, इसी सर्कल को कहते हैं परिधि, ठीक है। ये हो गया आपका विड्थ के परिधि। इसके एकदम बीच में जो होता है, बीच में ये होता है मेरा केंद्र। बीच में क्या होता है, केंद्र, जिसको हम लोग सी से या ओ से लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा बीच में जो है बिंदु, मेरा केंद्र हो गया, केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। अच्छा, एक और बात, इसमें विड्थ में एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ये मेरा हो जाएगा जीवा, ठीक है। तो इसमें जीवा भी अनंत हो सकते हैं, ये नहीं कि जीवा सिर्फ नीचे से ही होगा। अगर इस तरह से भी अगर आए तो ये मेरा क्या है, यह भी मेरा जीवा, ठीक है, यह भी मेरा क्या है, जीवा। और एक बात और कि इसमें जो होता है विड्थ में, ये मेरा विड्थ हो गया, ये मेरा केंद्र बिंदु है। तो देखिए विड्थ के परिधि से केंद्र बिंदु हो करके जो सरल रेखा दूसरे परिधि पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं व्यास। ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर से आया, और ये मेरा यहां कितने बिंदु को देखे। सबसे पहली बात, एक और बात कि विड्थ पर अनंत बिंदु होते हैं। विड्थ का जो परिधि होता है, विड्थ का जो परिधि बताइए सर्कल, इस पर अनंत बिंदु होता है। ये जो है इस तरह से ये डॉट 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 करके ही मतलब इसका परिधि बना रहता है, यानी कि अनंत बिंदु होता है, ठीक है। तो देखिए विड्थ के एक बिंदु से केंद्र होकर दूसरे बिंदु तक मिलने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और इस इसको व्यास कहते हैं, ठीक। अच्छा, और ये विड्थ का व्यास है, और ये विड्थ क्या, विड्थ का सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। विड्थ का सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ठीक है। विड्थ के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे हम लोग, व्यास कहते हैं। अब देखिए ये नहीं कि सिर्फ यही मेरा व्यास है, व्यास मेरा इस तरह से हो सकता है, व्यास मेरा इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते शर्त क्या है कि वो केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे व्यास मेरा क्या है, वो बिंदु को टच करके तीन बिंदु,
परिधि के इस बिंदु पर टच किया, उसके बाद केंद्र के बिंदु को, फिर परिधि के इस बिंदु पर टच किया, इसका मतलब ये क्या होगा, व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास। ठीक है, तो ये जो मेरा सर्कल है ये क्या हो गया, परिधि। परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरा क्या हो गया, जीवा। परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। तो ये मेरा क्या हो गया, जीवा। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास को जो है डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, व्यास को डी से सूचित किया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो और वृत्त में क्या क्या है ये देखिए। और वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती, और मेरा बात मानिए आप लोग, अगर इस वीडियो को नहीं देखिएगा और अगर आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया होगा तो आपका एकदम निश्चित है कि वृत्त से लगभग 10 नंबर प्लस का जो है रहता है, 10 नंबर से ऊपर का ही रहता है, यानी कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों को मिला करके। तो इसको जो है आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए वृत्त में कितने जीवा होते हैं, अनंत। एक वृत्त हमने ले लिया, ये मेरा क्या हो गया, केंद्र बिंदु। ठीक है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास, और व्यास का आधार क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का आधार त्रिज्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास का आधार क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का आधार त्रिज्या। जैसे कि ये मेरा पूरा क्या था, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, व्यास। ये मेरा केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इसका आधा जो होगा, इसका आधा, आधा को अगर हम लोग मिटा देते हैं तो क्या होगा, ये मेरा त्रिज्या होगा। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो इसलिए त्रिज्या बराबर होता है, एक फॉर्मूला भी देखते चलिए क्या होता है, कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में टू, बोले तो डी बटा में टू। ठीक है, अगर व्यास दिया है इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, समझे। चलिए, तो ये तो आपको हो गया। अब देखें, और ये त्रिज्या किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से होने का मतलब क्या है, कि ये नहीं है कि सिर्फ साइड साइड से होगा, ये भी मेरा त्रिज्या है। ठीक है, यह भी मेरा त्रिज्या, यह भी मेरा त्रिज्या, यह भी मेरा त्रिज्या, यानी के वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं, अनंत, बोले तो अनगिनत, उसका कोई गिनती नहीं। ये सब जो मैं पा रहा हूँ ये सब क्या है, त्रिज्या। अब देखिए, ये एक साइकिल के चक्का के स्कोप की तरह हो गया है कि नहीं, तो देखिए ये मेरा जो यहां से चल के यहां तक आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, यहां तक व्यास, लेकिन अगर यहां तक की तुलना करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा होगा त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब इसका खेल अब स्टार्ट होता है। यहां तक तो अभी सिर्फ परिचय था, अब इसका खेल, यहां से अब इसका खेल जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि ये मेरा हो गया, क्या हो गया, वृत्त। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा बन सकता है क्योंकि मेरे पास में प्रकार नहीं है कि सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ से ये अंडा की तरह हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये मेरा जो केंद्र है, ये मेरा हो गया केंद्र। ठीक, और केंद्र से ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, यह भी त्रिज्या हो गया और यह भी त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, ओ। और ये त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, दोनों त्रिज्या को मिले वृत्त पर, दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा है जीवा। ठीक है, ये मेरा है जीवा, जीवा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे का जो जगह बन गया, इसके नीचे का जो जगह बन गया मेरा, ये वाली जगह, ये मेरा क्या हो गया, नीचे का जो जगह बच गया जिसको हमने रंगाई की है पुताई, वो मेरा क्या चीज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड, या इसको हम लोग कह सकते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक है, और बाकी जो ये सब बचा, ये त्रिभुज को छोड़ने के बाद जो पूरा बचा, ये मेरा क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, ये मेरा हो गया दीर्घ वृत्त खंड, और ये मेरा हो गया लघु वृत्त खंड। तो इसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए, तो आगे देखिए, ये मेरा क्या हो गया, लघु वृत्त खंड, ये मेरा हो गया दीर्घ वृत्त
खंड। अब देखिए सबसे पहली बात यहां से नोट कीजिए, यहां से नोट कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराने वाले हैं, इसलिए इसका इतना उत्तर याद ही रखना, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां आर क्या हो गया त्रिज्या। अगर मान लीजिए कि ये मेरा दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, पाई का वैल्यू होता है ई मान लिया, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना 3 × 3 यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 22 × 9 और 7 गुना कर लीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 9 × 18 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 = 98 × 1 =
क्षेत्र पर। ठीक, उसके बाद आइए पहले वृत्त का बता देते हैं, उसके बाद हम लोग त्रिज्यखंड और डेढ़ की त्रिज्यखंड ये इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि परिधि ये होता है 2πr। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा, वृत्त की परिधि 2πr। उसके बाद क्या होता है, अगर परिधि दिया रहे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अगर परिधि दे दें तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसका परिधि दे दिया भाई, ये त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या ये बराबर होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और बटा में 2π। ठीक है, मान लीजिए किसी ने दे दिया कि अगर वृत्त की परिधि 88π है तो त्रिज्या निकालिए, तो क्या लिख देंगे, 88π बटा में 2π लिख देंगे, 2π से 2π खत्म, ये 44 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आप लोग इसमें जो है ज्यादा क्लियर होंगे। उसके बाद आता है अर्धवृत्त। चलिए अब अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा, ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में समझ लिया, अब थोड़ा सा अर्धवृत्त के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, थोड़ा बहुत क्या लंबा होगा ही, क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड क्या बोलते हैं कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों को हम लोग शामिल किए हैं, इसलिए ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अर्धवृत्त के बारे में पहले समझ, ये मेरा हो गया वृत्त, ये मेरा हो गया केंद्र, ठीक है, ये मेरा हो गया व्यास, ठीक है, ये मेरा हो गया व्यास, तो ये तो मेरा हो गया वृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा ये मेरा हो जाएगा, ये जो कटोरा टाइप का है, एक्चुअली में कटोरा नहीं है, कटोरा के लिए क्या होता है वो खोखला भी होता है, ठीक है, इस तरह से खोखला भी होता है, तब ना इसमें दाल चावल पानी वगैरह जो भी रखना है, दूध वगैरह, तो ये होता है अर्धगोला, कटोरा को बोला जाता है अर्धगोला, लेकिन ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त में भी वही सिस्टम है, इसका ये वाला जो हो गया व्यास, हो गया व्यास, व्यास का आधा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, व्यास को डी बोलते हैं, इसका आधा हो गया 2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यास का आधा ये त्रिज्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2πr². ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, वृत्त का जो क्षेत्रफल था उसी को 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह से अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि परिधि ये बराबर होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है r into π plus 2। चलिए ठीक है, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिलहाल आप लोग इतना ही देखिए और इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, ना समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये इसके क्या है कि मेंस्ट्रुएशन का ये पार्ट थर्ड था और इसमें और अभी वृत्त का एक और पार्ट आने वाला है, जो पार्ट फोर्थ में पूरा हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी क्लास ओवर हो रहा है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।